हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ रिमाइंडर सेसफल को लेकर। पिछली क्लास में आपको सेसफल बताया जा चुका है, सेसफल का कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं कि कैसे किसी नंबर, बड़े से बड़े नंबर का सेसफल आ जाएगा या बहुत से नंबर प्रोडक्ट में होंगे तब उनका कैसे सेसफल आएगा, पूरी चीज़ें उसको ब्रीफ किया गया है वहाँ पर। लेकिन आज जो क्लास लेकर आया हूँ मैं, उसमें केवल शॉर्टकट बताऊंगा आपको। पिछले वीडियो को जरूर देखिए जो पड़ी हुई है सेसफल के लिए, प्रीवियस वीडियो जो 5 तारीख को पड़ी हुई है, और कल कोई वीडियो नहीं आया था इस पर, आज लेकर मैं आया हूँ। लेकिन मैं फिर एक बार उस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा आपका रिकैप हो जाएगा इस वीडियो को। यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं और दूसरा डायरेक्ट देख रहे हैं तभी भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से बनते हैं रिमाइंडर के, सेसफल के, रिमाइंडर सेसफल एक्चुअली होता क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। और इसके लिए फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उसको आप वहाँ से क्लिक करके पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, इसके बाद सेकेंड देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी बातें। और एक चीज़ और है, देखने को ये आया है कि आप लोग वीडियो 1 से 2 मिनट देख रहे हो, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। उस एस्पायरेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जो प्लस टू के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लस टू के बाद या तो वो बीएससी में जाएंगे या बीटेक में जाएंगे या तो किसी नौकरी की तैयारी करेंगे, यही ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन हैं। तो जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो शौक से करें, कोई मतलब उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अभी वो घर पर बैठे होंगे, और घर पर बैठे हैं तो उनको हमको लग रहा है कि ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि सारे वनडे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो या किसी भी कंपटीशन के जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। किसी भी नौकरी में जाएंगे या किसी भी आप कंपटीशन में जाएंगे, इवन जब आप इंजीनियरिंग करते हैं और इसके बाद से कंपनियाँ आती हैं, उसमें जब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर बीटेक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन में मैं बता रहा हूँ, जब कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनियाँ आती हैं तो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है कि भाई आप बीटेक में तो आ गए हो, ठीक हो, लेकिन आप तार्किक ढंग से सोच पाते हो कि नहीं, आपका तार्किक कंसेप्ट कितना है, आपका माइंड कितना काम करता है। और उस जगह पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होती है, तार्किक होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम बताए जा रहे हैं वो एप्टीट्यूड से हैं, मतलब वही है अंगणितीय, जो तार्किक क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल, वो यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये बीटेक में नहीं पढ़ाया गया होगा, आपको प्लस टू में नहीं पढ़ाया गया होगा ये चीज़ें, आप क्या होगा 10th में नहीं पढ़े होंगे, आप किसी भी लेवल एकेडमिक में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हो। लेकिन जब बात आती है नौकरी देने की, तो सरकार या संस्थाएँ या गवर्नमेंट संस्थाएँ या प्राइवेट संस्थाएँ हों, इन सब क्वेश्चनों को पूछकर आपके क्या होती है, दिमागी जो सूझबूझ है उसको चेक करती है। तो उस सूझबूझ को चेक करने के लिए कि आप कितना ही एप्टीट्यूड टाइप के तार्किक ढंग से सोच पाते हैं, और इसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें आप। 30 मिनट का है तो 30 मिनट देखिए, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे चेहरा देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। आप क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअली रिमाइंडर कैसे आता है, रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैं रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत रिवाइज कर देना चाहता हूँ। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया भी हूँ, जैसे ये एग्जांपल है, और इस एग्जांपल से एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे है आपके पास 7 और 8 और आप इसको 3 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये था आपके पास कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा इसका, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 = 2, 3 × 8 = 24, 2 आ जाएगा रिमाइंडर, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक तो ये तरीका था कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करें और तब मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर का जो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर कह लो या शेषफल कह लो। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, ध्यान से देखिए इसको दूसरे तरीके से,
इसको डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आएगा वन, इसको डिवाइड करने तो रिमाइंडर कितना आएगा टू, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो टू आएगा। अब क्या हो गया, ये जो आया है रिमाइंडर का प्रोडक्ट वो थ्री से छोटा है, तो छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो रिमाइंडर आता है उसका प्रोडक्ट थ्री से बड़ा हो जाता है, जब थ्री से बड़ा हो जाएगा तो फिर एक बार डिवाइड कर लेंगे या दो बार जितनी भी बार जाएगा, और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनल का रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, एक तो ये तरीका था। इसमें माइनस और प्लस का भी कॉन्सेप्ट हमने बताया था, क्या बताया था ध्यान से देखिए उसको। यहां डिवाइड करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि यहां डिवाइड करने पर क्या होगा, प्लस वन रिमाइंडर आएगा, और यहाँ डिवाइड करने पर माइनस वन रिमाइंडर आएगा, और इन रिमाइंडरों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस वन। इसका मतलब माइनस वन रिमाइंडर आया, और बताए थे कि जब माइनस वन आ जाएगा, जब निगेटिव में रिमाइंडर आएगा तो उसको ले जाके किसमें जोड़ दीजिएगा, किसमें जोड़ देंगे, इस जिससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है उसमें ऐड कर दीजिएगा, मतलब डिवाइजर में या भाजक में। तो भाजक में जब डिवाइड कर देंगे तो माइनस थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा टू, तो ये टू रिमाइंडर आएगा। तो ये निगेटिव का भी कंसेप्ट बताए थे। ऐसा नहीं है, आप दोनों को निगेटिव में चेंज करके जैसे निकालिए रिमाइंडर हमेशा चूंकि प्लस में लिखेंगे, लेकिन आपको प्लस माइनस का कंसेप्ट भी हम बता चुके थे। क्लियर? तो थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए हमने ये बता दिया। अब ये सारे क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार, और इसके बाद से हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ नए थ्योरम भी पढ़ेंगे, और उसको ध्यान से देखिए आप। अब चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 71 × 72 × 69 / 14 कितना रिमाइंडर आएगा। तो अब वहां तो था कि 8 × 7 56 हो रहा था, और 56 को जब आप क्या कर रहे थे, थ्री से डिवाइड कर रहे थे, तो ये छोटा नंबर था 56, और जब छोटा नंबर 56 था तो उसको थ्री से डिवाइड करके रिमाइंडर इजीली आप फाइंड कर लिए थे। लेकिन अब ये नंबर बड़े हो गए, और ये नंबर बड़े हो गए तो इनका प्रोडक्ट निकालना भी आपके लिए क्या होगा, इजी नहीं होगा। और जब इजी नहीं होगा तो अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे, क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा वन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्लस में, अभी पल सारे रिमाइंडर प्लस में निकालते हैं, और फिर एक बार प्लस माइनस में भी निकाल के दिखाएंगे आपको। ये हो गया क्या, रिमाइंडर वन, यहाँ करोगे तो टू, और यहाँ करोगे तो 13 रिमाइंडर आएगा, कितना आ जाएगा 13 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर होगा रिमाइंडरों का प्रोडक्ट 26 आ जाएगा, और 26 चूंकि क्या हो गया 14 से बड़ा हो गया, तो फिर इसको एक बार डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, एक बार जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ध्यान से देखिए, जो ये यहाँ पर तो ये नंबर था, लेकिन यहाँ डिवाइड कर रिमाइंडर वन, यहाँ डिवाइड किए तो रिमाइंडर टू, यहाँ डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर थ्री। अब इन रिमाइंडरों का प्रोडक्ट किए तो 26 आ गया। यदि ये 26 14 से छोटा होता, ये 26 यदि 14 से छोटा होता, तब तो यही रिमाइंडर हो जाता, यही शेषफल हो जाता। लेकिन ये 14 से मतलब 14 से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, और जितना शेषफल आएगा वो फाइनल शेषफल होगा। तो जब 26 को डिवाइड करोगे, 24 होता तो पूरा कट जाता, सॉरी 14 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन ये 12 अधिक है 14 से, तो इसलिए शेषफल क्या आ जाएगा। देखिए, आप 26 को डिवाइड करेंगे 14 से तो कितना आ जाएगा 12 शेषफल आ गया। अब जो शेषफल आया है, शेषफल का जो शेषफलों का प्रोडक्ट है वो चूंकि भाजक से बड़ा हो गया, डिवाइजर से बड़ा हो गया, इसलिए फिर डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड करने पर, जैसे 12 आ गया तो ये फाइनल रिमाइंडर होगा इसका। बात समझ में आई? चलिए, अब ये तो था कि सारे प्लस में है। अब चूंकि देखो यहाँ पर प्लस में लिखे हैं तो एक बड़ा सा नंबर आ गया, 13 आ गया है, और इसकी वजह से ये मल्टीप्लाई होने पर 14 से बड़ा हो गया। तो इसको छोटा करने के लिए, याद रखिएगा, इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस रिमाइंडर का भी यूज कर लेते हैं। अब इसको माइनस के हिसाब से कैसे करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन, यहाँ करोगे तो टू, और यदि माइनस में सोचोगे तो ध्यान से देखो 69 क्या हो गया 14 के मल्टीपल, एक तो मल्टीपल हो जाएगा कितना 56, और एक हो जाएगा 70। ध्यान से देखिए, आपको पिछले वीडियो में क्लियर बताया है कि ये 69 14 के मल्टीपल, मतलब 14 के गुणक, 14 के गुणक, 14 का गुणक क्या होगा, एक 56 होगा, एक 70 होगा।
69 के पहले 56 आता है, 69 के बाद में 70 आता है। तो शेषफल कहता है कि इस गुणक से ये जितना दूर होगा, यहां से देखोगे तो यहां से देखोगे तो 13 की दूरी पर है, प्लस 13 की दूरी पर है, और इधर से देखोगे तो माइनस 1 की दूरी पर है। समझ में आ रहा है इधर कितनी दूरी पर है? माइनस 1। ये भी बताया था कैसे माइनस 1 कैसे प्लस 1, और पिछला वीडियो देखिए, माइनस 1 की दूरी पर है और यहां से 13, तो या तो आप यहां रिमाइंडर प्लस 13 लिख सकते थे या तो रिमाइंडर माइनस 1 लिख सकते थे। तो हम यहां पर माइनस 1 लिखेंगे और जब प्रोडक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस 2/14। अब देखो ये निगेटिव में भी जो नंबर है न्यूमेरिकली 14 से छोटा आ गया, ठीक ना। निगेटिव में भी निकालते हैं और यदि 14 से न्यूमेरिकली जो यहाँ पर वैल्यू आती है, मतलब माइनस 2 आया तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होगी, 2 होगी। यदि ये निगेटिव में भी जो नंबर आया था वो 14 से बड़ा होता तो फिर एक बार डिवाइड करते, लेकिन चूंकि ये न्यूमेरिकली 14 से छोटा आ गया तो रिमाइंडर माइनस 2 आ गया। और बताए थे कि जब रिमाइंडर माइनस 2 आ जाए तो इस रिमाइंडर और इसमें इसको दोनों को ऐड कर दो, जो आएगा वो फाइनल आपका रिमाइंडर हो जाएगा प्लस में, क्योंकि जो रिमाइंडर आपको देगा प्लस 2 में, प्लस में देगा। तो ये तो आया कि माइनस 2 रिमाइंडर आएगा, और माइनस 2 को क्या करना होगा, माइनस 2 को इस भाजक में, इस डिवाइजर में ऐड कर लोगे तो प्लस 2। तो ये तरीका ये था, एक तरीका ये था, माइनस करने पर ये आसान हो गया कि यहीं पर आपका निकल के आ गया। प्लस में क्या होता है कि जो नंबर प्लस में आते, हो सकता है कि इसको हम 68 लिए होते थे, 12 आता है, अब 12 2 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। इसलिए क्या करते हैं कि जो छोटा होगा, यदि निगेटिव वाला छोटा है न्यूमेरिकली तो निगेटिव वाला लेंगे, और यदि पॉजिटिव वाला छोटा है तो पॉजिटिव वाला लेंगे, ये याद रखिएगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दो पॉजिटिव ले लिए एक निगेटिव ले लिए, आप या तो तीनों निगेटिव में लिख लो या तीनों पॉजिटिव में लिख लो, या एक निगेटिव में दो पॉजिटिव में, दो पॉजिटिव एक निगेटिव में रिमाइंडर लिख लो, फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये तो आपका हो गया प्रोडक्ट के लिए, ये कंसेप्ट सारे बताए जा चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए प्लस में होता है तो क्या होगा, जैसे ये प्लस में था 61 + 72 + 69/40, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, यहाँ करेंगे तो 2, प्लस करिए ठीक है ना, और प्लस यहाँ करेंगे, प्लस में सब लिख रहे हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, सबको प्लस करना होगा, तो 13 2 15 15 1 16 कितना आ गया 16/40। अब डिवाइड, अब चूंकि ये 16 बड़ा हो गया 14 से तो फिर एक बार डिवाइड करेंगे, फिर एक बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 2 होगा। एक तो तरीका ये था। अब क्या करते हैं कि अभी देखो ये बड़ा हो गया, क्योंकि निगेटिव में लिखते तो न्यूमेरिकली जो निगेटिव में रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, 14 के करीब में होता या 13 से छोटा आता है। तो हमको याद रखना है ये चीज़ कि हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही लिखेंगे जो छोटा हो, न्यूमेरिकली छोटा हो। ये बहुत बड़ा हो गया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 71 + 72 + 69/40, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर 2, यहाँ रिमाइंडर -1। अब क्या करना है, प्लस करना, सॉरी यहाँ चूंकि सारे टर्म प्लस में है तो प्लस में करेंगे, यदि सारे टर्म मल्टीप्लाई में होते तो सारे रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करते, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, फाइनल यहीं पर आ गया। यहाँ देखो 16 हो गया था, फिर एक बार डिवाइड किया तब रिमाइंडर आया, लेकिन यहाँ पर तो पहले स्टेप में आ रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो छोटा होगा न्यूमेरिकली, प्लस वाला छोटा है तो प्लस वाला लेंगे, और निगेटिव वाला जो छोटा आता है तो निगेटिव वाला लेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इन सब क्वेश्चन पे, ये सभी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, फिर एक बार ध्यान से देखिए, जैसे 2^50/7। आपको मैं ये बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आप 7 का गुणक लिख लीजिए, 7 क्या होगा 14 21 28, ये सब चीजें, और देखिए कि ये जो नंबर है इसका पावर कितना ले कि वो 7 के गुणक के आसपास हो, मतलब प्लस 1 में हो या माइनस 1 में हो, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देख रहे हैं कि यदि 2^1 करेंगे तो 2 आएगा, 2^2 करेंगे तो 4 आएगा, 2^3 करेंगे तो 8 आएगा, 2^4 करेंगे तो 16 आएगा, 2^5 करेंगे तो 32 आएगा, ये आएगा।
अब देख रहे हैं कि 2 की पावर में एक नंबर है 8 और 7 के गुणक मतलब गुणक में एक पावर है 7, ये दोनों प्लस माइनस 1 की दूरी पर है, ठीक है ना, 7 से प्लस 1 की दूरी पर है 8, ध्यान से देखिएगा। तो ये काम आपको सीखना है, ये काम नहीं सीखेंगे तो रिमाइंडर तो इजीली निकल ही नहीं पाएगा। ये जो पावर है उसको हम ऐसे चेंज करेंगे कि वो 7 के गुणक के प्लस 1 या माइनस 1 में कन्वर्ट हो। तो हम देख रहे हैं कि ये होता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 8 आता है और 8 7 से प्लस 1 दूरी पर है, इसलिए इसको 2 की पावर 3 में हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर 3 में चेंज करेंगे। अब पावर यदि 3 का मल्टीपल होता है, 3 का गुणक होता है, तब तो इजीली चेंज हो जाएगा। 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसको 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप जानते हैं कि कैसे होगा, 2 की पावर 48 और 2 की पावर 2 7, ये 3 का मल्टीपल आ गया ना। जब 2 बाहर लेंगे तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 का गुणक हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 की पावर 3 की पावर 16, और ये तो हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 8 8 की पावर 16 भाई 4 बाई 7। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8 into 8 into 8 कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, यही ना, और into 4 by 7। अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि बहुत से टर्म होंगे तो आप क्या करेंगे, हर टर्म को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और वो जो प्रोडक्ट आएगा यदि 7 से छोटा होगा तब तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, और यदि 7 से बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, हम 7 से बड़ा आएगा तो हम फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर, वहाँ 1, सारे में 1 1 आएगा, तो 1 into 1, और यहाँ 4, तो क्या हो जाएगा 4 by 7, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, क्योंकि जो ऊपर वाला रिमाइंडर का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर वो 7 से छोटा आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। अब डायरेक्ट इसको काटो, ये क्या होगा, रिमाइंडर 1 1 की पावर 16, 4 by 7, इसकी वैल्यू पर 4 by 7। अब चूंकि ये बड़ा होता, क्या होता, 4 7 से बड़ा होता तो डिवाइड करते, लेकिन बड़ा नहीं है तो यही फाइनल क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो तुरंत उड़ा देते, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसमें और क्या क्वेश्चन है, ये है 3 की पावर 33 और भाई 28, 3 की पावर 33 है। अब क्या बताओ, 28 का पहले देखेंगे कि 28 का गुणक, ध्यान से देखो 28 का गुणक से कैसे ये प्लस वन माइनस वन में चेंज होगा। तो इसकी वैल्यू 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, फिर कितना होगा 3 की पावर 27, फिर क्या होगा 81, ऐसे हो जाएगा। और 28 का गुणक रखेंगे तो 28 और 56 ऐसे ही आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें प्लस वन माइनस वन की दूरी है, ध्यान से देखिए, और ये कैसे बना है, 3 की पावर 3 से बना है, ध्यान से देखिए 27 कैसे बना है, 3 की पावर 3 से बना है, और ये 3 की पावर 3 जो आएगा 27 28 से माइनस वन की दूरी पर है। ध्यान से देखिए 28 से 27 कितनी दूरी पर है, माइनस वन की दूरी पर है। तो अभी हम बता रहे थे कि हमेशा इसको प्लस माइनस वन में चेंज करेंगे। अब आपके आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा, सर प्लस वन माइनस वन में चेंज ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी तरीका वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब ये 3 के मल्टीपल में भी है, सबसे आसान है कि ये क्या है, 3 के गुणक में है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये 11 28, और ये हो जाएगा आपका 27 11 बाई 28, और ये बताइए 27 को डिवाइड करेंगे तो माइनस वन रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 28 बड़ा है, तो 27 क्या है 28 से माइनस वन की दूरी पर है, तो रिमाइंडर क्या बोलेंगे, माइनस वन। वैसे तो छोटा है तो 27 रिमाइंडर बचता, लेकिन आपको बताए थे कि 27 बड़ा हो गया एक नंबर, तो हमेशा वही वाला लिखेंगे, प्लस माइनस में वही लिखेंगे जो छोटा हो, तो यहाँ माइनस छोटा है तो माइनस वाला लिख लेंगे, और यहाँ से 28, और हम देख रहे हैं कि माइनस वन की पावर 11 करेंगे तो माइनस ही वन आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल रिमाइंडर माइनस वन आ गया, फाइनल रिमाइंडर माइनस वन आने का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, अब आते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर है आपका 5 की पावर 40 बाई 24, 5 की पावर 40 इंटू 24। अब देख रहे हैं कि 5 यदि 25 होता है, यहाँ पर कैसे भी 25 की पावर में चेंज कर लेते तब तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि 25 क्या हो जाएगा, 24 से प्लस 1 की दूरी पर होगा, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये कर लो और 20 कर लो और 24, ये कितना हो जाएगा, 25 की पावर 20 बाई 24, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 की पावर 20 24, ये कितना देगा, 1 बाई 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, अब देखो तेजी से करेंगे, 40, 60, 63। अब हम जानते हैं यदि 4 को मल्टीप्लाई करते तो करते जाओगे, 4 की पावर करते जाओगे तो 64 आएगा, और 64 63 से क्या है, प्लस 1 की दूरी पर है, इसको 64 में चेंज करेंगे, 64 में चेंज आराम से हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 इंटू 15, 15 14 60, यही ना होगा 63। अब यहाँ पर आ गया 64 की पावर 15 बाई 63, दिस इंप्लाई दैट 1 की पावर 15 बाई 63, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 1। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं, इन सब क्वेश्चनों को देखिए, अब हम आगे चलेंगे और अब कुछ लेवल बढ़ाते हैं। ये तो बहुत, देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे थे जिसको बहुत इजीली हम देख रहे हैं कि ये प्लस वन माइनस वन में कहाँ चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना आपको दिखेंगे ही नहीं जल्दी ये प्लस वन माइनस वन में कैसे होगा, तो उसका भी है 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसको देखेंगे कैसे चेंज होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 500 बाई 1। अब देखो भाई 100 का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, इसका गुणा तो देखते हैं, 100 200 300, ठीक ना, और क्या होगा 400 500, ये होगा, और 5 का मल्टीपल देखेंगे तो 5 25 125 625, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन बहुत नहीं आने वाला है, या हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, समझ में आ रही है, ऐसा सिचुएशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे जहां हमको ये दिखे कि ये गुणक और ये पावर में प्लस वन माइनस वन की दूरी है, क्योंकि हम खोज रहे थे ना कि 5 की पावर क्या कर दे कि 100 से प्लस वन या माइनस वन की दूरी में हो जाए, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का हो गया। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि 5 और 100 में एक कॉमन फैक्टर है, कितना है 5, 5 और 100 में कॉमन फैक्टर है 5, क्लियर हो रही बातें, तो 5 है तो इसको क्यों ना हम कुछ रिड्यूस करें, काट लें, जितना भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो काम कर लें। तो यहाँ पर देखो ये 5 की पावर 498 और इसको क्या कर ले, 5 की पावर 2 कर सकते हैं ना, और टेक कर सकते हो, 500 को क्या लिख सकते हो, 498 इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जुड़ता है क्योंकि बेस सेम है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये 25 होगा, 25 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तुम बन गया तुम्हारा पिछला फॉर्मेट, यहां से देखो जैसे ही हमने 25 से काटा, 25 से काटा इसको, अब आपके प्लस 1 की दूरी पे आ गया है, तो अब रिमाइंडर 1 की पावर 498 बाई 4 और रिमाइंडर 1 बाई 4 मतलब 1 आ जाएगा। लेकिन याद रखिए ये रिमाइंडर इसका आया है ना कि इसका आया है, अब इसमें क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर 1 आया है जितने से काटे थे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो 25 आएगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, काट तो दिए, काटने के बाद जो सिंप्लीफाई आया वो तो आपके प्रीवियस फॉर्मेट से मैच कर गया, प्लस 1 की दूरी पर चला गया, इसके रिमाइंडर तो 1 आएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर 1 आएगा, जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने से काटे थे उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 की पावर 35 10, यहां भी कट सकता है तो काटो भाई, 2 की पावर 34 इंटू, क्या होगा, 2 बाई 10, काट लो, 2 की पावर 34 बाई 5 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 4 बन सकता है, ये 2 की पावर 2 इंटू 17 बाई 5 कितना हो जाएगा, 4 पावर 17 बाई 5। अब ये बताइए ये 4 5 से कितनी दूरी पर है, -1, मतलब जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1, तो -1 की पावर 17 बाई 4, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा,
माइनस वन, तो आया तो रिमाइंडर माइनस वन और माइनस वन आ गया, और इसको यदि कन्वर्ट करेंगे रिमाइंडर में तो प्लस फोर आ जाएगा। लेकिन प्लस फोर किसका आया है, प्लस फोर तो इसकी रिमाइंडर आई है। ध्यान से देखिए, काटने के बाद रिमाइंडर किसकी आई है, इसकी आई है, लेकिन हमको तो निकालना है फाइनल इसका, क्योंकि टू से हम काटे थे यहाँ पर, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 28। चलिए फिर देखिए 15 की एक और क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आप लोगों, दिख रहा है। और बगला है, ये रिमाइंडर की सेकंड क्लास है बेटा, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्लास देखेंगे ये और समझ में आए। अब है 15 की पावर 40 और इसके बाद है 15 की पावर 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या होगा, ये लिख सकते हैं आप 3 की पावर 40, ये 5 की पावर 40, लिख सकते हैं। पावर का गेम है, क्योंकि 15 को फिर ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 3 × 5, 5 की पावर 40, तो ये पावर दोनों पर आ जाएगा 3 की पावर 40 × 5 की पावर 40, आ गया। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहां से देखो कि कुछ कटने वाला है, काट लो 3 की पावर 40 और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 38 और ये होगा 5 स्क्वायर बाई 100, काट लो, कट गया, कितना आ जाएगा 4 25 4 हो गया। अब देखो 3 की पावर 40 और 5 की पावर 38 और 4, इसका रिमाइंडर निकालो आप, तो यहाँ कितना रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर 40 और यहाँ क्या आएगा, +1 की पावर 38 बाई 4, बोलिए आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 की पावर 40 वन ही देगा, 1 की पावर 31 देगा, तो 1 आ गया आंसर, रिमाइंडर तो 1 आएगा, लेकिन किसका आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, हमको तो चाहिए इसका। और इससे ये कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है जब 25 हम काटे हैं तब, इसलिए क्या होगा 1 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, याद रखिएगा। अब ये मत कहना तुम अभी सर 25 से काट रहे हैं इसीलिए 25 आंसर आया, ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ यदि 4 से काटे होते तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 4 आ जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा और चलिए अगले क्वेश्चन, कुछ अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे देता है 83/17 की पावर 261। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो 17 × 64 और 17 × 25 = 85 होता है, मतलब यहां से ये कितनी दूरी पर आ गया, +15 की दूरी पे है, और यहाँ से कितना दूरी पर है, -2 की दूरी पर है। इसका मतलब इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर +15 आता है या -2 आता है, ये आता है 83। और हम बताए हैं कि हमको तो चेंज करना है +1 -1 में, तब जाके हमारा काम बन पाएगा, तो ना ही ये +1 में चेंज हो रहा है ना -1 में, और ना ही इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है कि हम इसको काटते, जो पिछले वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब देखो एक चीज है, यदि यहाँ पर -2 रिमाइंडर आ जाता, ठीक है ना, तो -2 का मल्टीपल जो आएगा -2 × -2 × -2 × -2, ये क्या आ जाएगा भाई 16, और 16 17 से कितनी दूरी पर आ जाएगा, बोलो -1 की दूरी पर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ -2 रख देंगे तो -2 रखने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि -2 या 2 रहता है यहाँ पर तो वो 17 के गुणक से +-1 की दूरी पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -2 की पावर 261 / 17 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर ऑड आ गया, ठीक है ना, 4 का मल्टीपल तो है नहीं, 4 का मल्टीपल होता तो 16 में चेंज होता, तो 4 का मल्टीपल बनाइए -2 × 260 × -2, देख सकते हैं 17। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, ठीक है,
और इंटू माइनस टू। ये माइनस टू की पावर फोर क्यों क्यों, ये सोलह बन जाएगा, सोलह बन जाएगा तो माइनस वन की दूरी पर हो जाएगा, इसलिए क्या किया हम 261 में से माइनस टू को इधर ले लिया और इस माइनस टू को यहाँ पर कर दिया, ये माइनस टू पर फोर का ले लिया क्योंकि ये 16 बनने वाला है, 16 17 से क्या है प्लस वन माइनस वन पे बने दूरी पर, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 65 इंटू माइनस टू बाई 17। अब ध्यान से देखिएगा इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस वन 65 इंटू माइनस टू, और ये चूंकि माइनस वन की 60 पावर मतलब ऑड है, ऑड है तो क्या देगा माइनस वन और माइनस टू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट प्लस टू, फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा। बात समझ आई, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं 85 82। की पावर 69 और ये हो गया 82 दिया जाएगा। इसमें फिर वही समस्या आ गई, ये दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर भी नहीं आ रहे हैं भाई, कि काट भी नहीं सकते हैं, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा प्लस 3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है तो प्लस 3 की दूरी पर है, लेकिन एक चीज है जब प्लस 3 में चेंज हो जाएगा तो वहां से 3 को हम 81 बना लेंगे, पावर बना के 3 की पावर 3 बना के 81 बना लेंगे, और 81 बना लेंगे तो 82 से क्या है माइनस 1 की दूरी पर है, तो वहां से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलो काट लो एक बार, कितना हो जाएगा 369/82, अब ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और 23 82, दिस इंप्लाई दैट नहीं 4 लेना है ना, सॉरी 27 नहीं 4 81 बनाना है ना, सॉरी तो यहाँ पर है 3 की पावर 68 इंटू 3 कर लो 82, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 17 इंटू 3 बाई 82, दिस इंप्लाई दैट कितना हो जाएगा ये 81/17 इंटू 3 बाई 82। अब इसको डिवाइड करोगे तो माइनस वन रिमाइंडर 81 को 86 में माइनस वन की पावर 17 इंटू 3 बाई 82, माइनस 3 आ गया रिमाइंडर, ठीक है, और माइनस 3 आने का मतलब इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 79, क्या आएगा 70, प्लस में लिखेंगे ना तो माइनस 3 जो भी निगेटिव में आएगा उसको डिवाइडर में भाजक में जोड़ दो 79 आएगा रिमाइंडर आपका। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, चलिए ये तो बात आप क्लियर कर ली। अब कुछ और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत टाइप के आते हैं, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लीजिए है 3 की पावर 74 28 3 की पावर 65, ये फैक्टोरियल है, अभी हम बता रहे हैं फैक्टोरियल का मतलब, 3 की पावर 65 ये तीन क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, फैक्टोरियल वाला भी आ गया, पहले ये करते हैं तो हो जाएगा 3 की पावर 34, ये तो पहले अभी जो बताया था उसके हिसाब से हो गया, हो जाएगा ये 28 है और 3 की पावर जब करेंगे 3 तो 27 हो जाएगा, तो 3 के 3 पावर में चेंज करना है इसको, लेकिन यहाँ पर ये 3 का तो मल्टीपल है नहीं तो इसको लिख सकते हैं 3 × 33 × 3, इसको 33 में इसलिए चेंज कर लिए कि जब ये 3 के गुणक में आएगा तभी ये 3 की पावर 3 में चेंज होगा, यदि ये 3 का गुणक नहीं होगा तो ये 3 की पावर 3 में चेंज नहीं होगा, यदि 3 की पावर 4 में चेंज करना होता तो हमको इसको ऐसे ब्रेक करना होता कि यहाँ पर जो पावर आए 4 का गुणक आए, इसलिए हम ऐसे इसलिए एक 1 इधर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हो जाएगा 3 की पावर 3 11 इंटू 3 बाई 20 है, हो जाएगा 27 के बटे 11 इंटू 3 बाई 21, और ये हो जाएगा कितना माइनस 1 की पावर 11 इंटू 3 बाई 28, अब ये आ जाएगा माइनस 3 बाई 28, निगेटिव आएगा लेकिन इसको जब जोड़ दोगे तो 25 रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 25 आ जाएगा। अब आगे ही इसको करना है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, अब फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 × 2,
फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और इसी तरह फैक्टोरियल n का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक n तक। एक चीज तो पता चल रहा है कि यदि कोई फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा है तो उसमें हमेशा 4 आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 4 आएगा ही आएगा। एक चीज और है, 4 आने के बाद 4 के साथ 2 भी आएगा, 4 के साथ 2 भी आएगा। ध्यान से देखिए, 4 या 4 से बड़े फैक्टोरियल में 4 भी आएगा 2 भी आएगा। और देखो यदि 4 को हटा भी दें, यहाँ से 4 को हटा भी दें तो ये 2 यदि है और 2 का किसी भी नंबर में, और ध्यान से देखो 2 इंटू ऑर्डर है तभी भी क्या आ जाएगा इवन, और 2 इंटू यदि इवन है तभी भी क्या आएगा इवन आएगा। मतलब 2 का यदि मल्टीपल 2 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा इवन आएगा, वो किसी टाइप का नंबर हो। ध्यान से देखिएगा, ऑड हो या इवन नंबर हो, उसमें यदि 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या देगा आपको इवन देगा। और ये मालूम हो गया कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़े में हमेशा 4 तो रहेगा ही, एक प्रोडक्ट एक फैक्टर उसका 4 रहेगा ही रहेगा। ये आपको बात क्लियर हो गई आप, तो इसी से हम क्या बना लेंगे अपना क्वेश्चन अगला बना लेंगे। 3 की पावर 65 है तो इसका कैसे होगा। अब इस 3 की पावर 65 फैक्टोरियल में है 80। अब हम जानते हैं कि हमको तो इसको क्या बनाना है, 81 बना लेते तो अपना काम हो जाता है। 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है, 81 बन जाएगा तो प्लस 1 की दूरी पे है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, अभी बता रहे थे कि ये क्या है जो नंबर है 4 से बड़ा है तो इसमें 4 भी होगा और 2 भी प्रोडक्ट होगा। अब इसमें से एक 4 ले लेते हैं, ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे लिखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक जाएगा 65 तक, ठीक है ना 80। एक चीज ध्यान से देखिएगा, 3 की पावर 4 इंटू 5 है तो इसको 3 की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 है तो इसको लिख 3 की पावर 2 इंटू 1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 3 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 है तो इसको 3 की पावर 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, और इसको 3 की पावर 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 8 कर लो। मतलब ये हुआ कि पावर में यदि बहुत से नंबर प्रोडक्ट में है तो कोई भी इसकी पावर लगा दो और बाकी बाहर लिख दो, तो उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और बाहर में आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 नहीं होगा 5 होगा, कहाँ तक 65 तक, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब इसमें 2 आ गया मतलब ये इवन दे देगा, चलो भाई इवन दे देगा, और ये क्या देगा 81 की पावर जो भी नंबर हो उसे नहीं मालूम है, इवन इवन मतलब सम, हिंदी में सम, जो 2 से कट जाए 80 हो गया। प्लस 1 की दूरी पे है, डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की पावर इवन बाई 80, और इवन है तो 1 की पावर इवन 1 ही आएगा, और 1 आने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा। बात समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर 3 की पावर 65 82 दे दिया है, फिर इसमें भी वही काम करेंगे, 3 की पावर ये 82 है, अगला क्वेश्चन ये था, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे 82 हो गया, फिर 3 की पावर 4 ले लेंगे, और अभी बता रहे थे 4 लेने के बाद जो बचेगा वो भी क्या होगा इवन होगा बाई 82, और ये हो जाएगा 81 की पावर इवन बाई 82, और यहाँ से कितना देगा -1 दे देगा रिमाइंडर, और इवन है बाई 82, और यदि -1 की पावर इवन तो प्लस ही 1 होगा, तो फाइनल आंसर इसका भी क्या आएगा प्लस 1 आएगा। देख लीजिएगा, इतने क्वेश्चन थे, बहुत मजेदार क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन हम जा रहे हैं करने फॉर फॉर्मेट थ्योरम, आज इतना ही, ये लास्ट टॉपिक चलने जा रहा है, और ये सेकेंड क्लास है, एक क्लास और लेकर आएंगे हम, एक क्लास जब लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें टोसेंट मेथड बताएंगे आपको, टोसेंट मेथड से कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मेट थ्योरम लेकर आए हैं, फॉर्मेट थ्योरम कहता है ए की पावर पी माइनस 1 बाई पी, तो रिमाइंडर हमेशा कितना देगा प्लस 1 देगा।
लेकिन यहां पर ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब एस सी एफ ए और बी का वन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में 2 और 7 को प्राइम है, 3 और 10 को प्राइम है, ये को प्राइम है। ध्यान से देखिएगा, ये भी को प्राइम है, ये भी क्या है, को प्राइम है। लेकिन यदि यहां पर लिखा जाए 3 और 12 तो ये को प्राइम नहीं है। देखो इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं होगा। क्योंकि इन दोनों में 1 भी कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि ए और बी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो वो को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब ए और पी का एचसीएफ 1 आएगा। और ऐसे देख लीजिए, यदि ए और पी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो को प्राइम ही होगा। क्या हो जाएगा, को प्राइम होगा, एक चीज याद रखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आता है कि 3 की पावर 18/19 इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अब कुछ नहीं करना है, प्लस वन माइनस में नहीं सोचना है। अब देखो इसी फॉर्मेट से मैच कर गया है, ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये प्राइम नंबर है। क्या है, यहाँ पर पी प्राइम भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पी प्राइम होना चाहिए, ठीक ना। और ए और बी को प्राइम होने चाहिए। चलिए तो अब क्या करेंगे, पी प्राइम नंबर है और यहाँ प्राइम नंबर क्या, ये माइनस है, ये ए, ए की वैल्यू 3 है और पी माइनस 1 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ, 1 आएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट से मैच कर गया ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है आपका, ध्यान से देखिए, 3 की पावर 10/11 इसका भी क्या हो गया, इससे मैच कर गया, 3 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है और 3 की जो पावर है 11 से कम है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। बिना देखे समझे सोचे बता दोगे, ठीक है। अड़तीस की पावर क्या है, 102 और नीचे है 103। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 103 अपने में ही एक प्राइम नंबर है। जब 103 प्राइम है तो इसका 1 और 103 के अलावा तो कुछ कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। 38 भले कंपोजिट नंबर है, लेकिन याद रखिएगा, यदि डिनोमिनेटर क्या गया, प्राइम आ गया, तो वो यहाँ पर कोई भी नंबर दिया होगा वो क्या होगा, उसके साथ को प्राइम ही होगा। याद रखिए फिर से, यदि नीचे प्राइम दे दिया, ये प्राइम नंबर है, तो इस ये 38 ये कोई भी नंबर हो, कंपोजिट हो या प्राइम नंबर हो, ठीक है ना, इसके साथ ये क्या करेगा, को प्राइम हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, 103 की पावर 102 है, तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा, रिमाइंडर क्या दे देगा, 1 दे देगा। 64 है, 64 की पावर 30/31 और यहाँ पर भी देख रहे हैं इसी फॉर्मेट से मैच कर रहा है, 31 और 64। 31 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है तो इस 64 के साथ को प्राइम होगा। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर यदि प्राइम आ गया तो वो यहाँ पर कोई भी नंबर दिया होगा उसके साथ ये को प्राइम हो जाएगा। और फिर मैच भी कर गया है, 31 एक पावर कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर है 187 की पावर 82 और 83। अब 83 तो क्या है आपका, 83 आपका क्या है, प्राइम है। अब यदि चीज ध्यान से देखिए, ये प्राइम आ गया तो मे भी हो सकता था कि इस प्राइम का ये मल्टीपल हो, उस कंडीशन में तो क्या होगा, ये को प्राइम नहीं होगा, तो चेक करना पड़ता है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि 83 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 166 आ जाएगा, और 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 9 3 9 3 9 8 24 आ जाएगा। तो इसका जो गुणक होगा 83 का, ये 3 आएगी, 87 तो आएगा नहीं, हो सकता था कि 87 आ जाए, तो जब 87 आ जाता तो ये दोनों को प्राइम नहीं कहलाते, भले ही ये प्राइम है। याद रखिएगा, छोटा है तब तो आसान है कहना, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर में थे वो इन सब डिनोमिनेटर से छोटे थे,
तो प्राइम नंबर से छोटा न्यूमरेटर होगा तो ऐसे ही को प्राइम बन गया, लेकिन बड़ा होगा तो मे बी हो सकता था कि इसी प्राइम का मल्टीपल हो, मल्टीपल होगा तब तो वो को प्राइम नहीं होगा, तो ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ 87 चूंकि 83 से बड़ा है तो हम यहाँ डिवाइड करके देखेंगे कि क्या 83 का कोई गुणक तो नहीं है, गुणक नहीं है तो ये को प्राइम हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। बात समझ आएगी, फॉर्मेट थ्योरम क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्मेट थ्योरम के थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से देख लीजिए, बहुत शानदार शानदार। जैसे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए, लेकिन अब हम चलते हैं आगे, वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट में। 72 पावर 85 और नीचे कितना है आपका 29, ठीक है, ये तो प्राइम है, ये 29 प्राइम है और 29 का ये गुणक भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे, लेकिन पावर पावर 29 से छोटा एक नहीं है, वो तो दूसरे टाइप का आ गया, तो इस पावर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मेट थ्योरम वहां भी लग जाएगा जहां पर पावर 29 से एक कम कर दो 28 के मल्टीपल में, ध्यान से देखिए वहां भी फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगा जहां पर पावर इससे इस प्राइम से कम के मल्टीपल में है, तो 28 का मल्टीपल क्या होगा 28 56 और कितना हो जाएगा 56 और 3 24 3 8 84, ये मल्टीपल होते हैं। तो ध्यान से देखिए 84 होता है तो अपना काम बन जाता है, ध्यान से देखिए फॉर्मेट थ्योरम वहां भी लग जाएगा जहां पर ये दोनों को प्राइम हो और पावर क्या हो जाएगा इससे कम, मतलब 28 का मल्टीपल हो, 28 रहता तब तो प्लस 1 लिख देते, लेकिन यदि 28 का मल्टीपल भी रहता ना तो प्लस ही 1 आएगा, याद रखिएगा। ऐसे भी फॉर्मेट थ्योरम का एक और टाइप याद कर लीजिए, NP-1 इस टाइप में भी है, ये पावर क्या होगा, पावर यदि n, इसलिए वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड p एंड a आर को प्राइम। ध्यान से देखो फिर मैं इसको ये याद कर लो या ये समझ लो कि फॉर्मेट थ्योरम वहां भी लग जाएगा जहां पर ये प्राइम हो, मतलब ये दोनों को प्राइम हो और इनका न्यूमरेटर की जो पावर हो इससे एक कम का क्या हो, गुणक हो, 28 का गुणक, मतलब 28 का गुणक में यदि 56 भी होता ना तो प्लस ही 1 देता, 84 भी होता ना तो प्लस ही 1 देता, और भी आगे जो गुणक होंगे वो भी रहेगा तो प्लस 1 देगा, तो उसके हिसाब से इसको हम चेंज कर लेते हैं, 72 की पावर 84 कर लेते हैं और एक पावर इधर ले लो, ये हो गया, हो गया। बोलिए अब तो क्या देगा, ये प्लस 1 दे देगा, क्यों अभी बताए हैं कि 21 का ये सॉरी 29 से एक कम 28 का ये गुणक हो गया, और 28 का ये गुणक हो गया तो ये 1 दे देगा, और ये 72 बाय 29, अब इसको डिवाइड कर लो 72 को 29 से, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 9 18, 2 2 के 4 1 5 और ये 9 आ जाएगा, तो फाइनल कितना आएगा 9। समझ में आया, चलो नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करिए। नौ की पावर 111/13, अब देखो ये दोनों को प्राइम हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि 13 से एक कम, अब देखेंगे फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे 13 से एक कम क्या होता है 12, यदि ये 12 का मल्टीपल होता तो प्लस 1 आंसर आता, लेकिन 12 का मल्टीपल तो है नहीं, तो इसको बना सकते हैं 9 108 × 9^2/3, ये हो सकता है, बोलिए सॉरी 3 सन्नारी बात। यहां से देखो फॉर्मेट थ्योरम ये कहता है कि यदि ये दोनों को प्राइम, देखो ये प्राइम हो गया इससे छोटा है तो सीधी सी बात है को प्राइम होगा, अब यदि ये दोनों के दोनों को प्राइम है, को प्राइम मतलब इसमें और इसमें केवल फैक्टर मिलेगा तो 1 मिलेगा, 1 के अलावा कुछ फैक्टर नहीं मिलेगा,
अब यदि ये दोनों को प्राइम हो गया और इसकी पावर यदि इससे एक छोटा मतलब 12, 12 का मल्टीपल होता तो यहाँ भी फॉर्मेट थ्योरम लगता और उसकी भी रिमाइंडर 1 आता। अब देखो 12 का मल्टीपल इसके नज़दीक में 108 होगा। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, और इस 9 को डिवाइड करेंगे इससे तो -4 आ जाएगा और 22 13, और ये क्या हो गया -64 बाई 13, और इसको डिवाइड करेंगे 13 चौका 52, 13 5 65 +1 क्या जाएगा। अब देखो बाद में चले गए ना, पहले होता जैसे 67 होता है तो 65 पांच बार ले जाते तो -65 होता है, और तब रिमाइंडर क्या कहते हैं हम कि -2 आ रहा है, लेकिन चूंकि आगे चला गया क्या हो गया 65 तो +1 हो गया, और +1 होने का मतलब कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा प्लस में ही आ गया तो +1 आ गया। ध्यान से देखिएगा यहाँ रिमाइंडर निगेटिव कब लिखा जाता है, यहाँ निगेटिव में नंबर है और इसका मल्टीपल -65, ध्यान से देखिएगा हो गया, और यहाँ से इधर ये -1 की दूरी पर है, कितना है -1 की दूरी पर है, इसलिए इसको क्या करेंगे -1 की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है -1, और ये माइनस ऑलरेडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है 65 को, या आप इस तरह से नहीं सोच रहे हैं तो 13 चौका 52 हो जाएगा, -11 आ जाएगा, और -11 का सॉरी 13 चौका 52 12 आ जाएगा, 12 और -12 का मतलब क्या होगा +1 हो जाएगा। चलो ऐसे ही समझ लो, ध्यान से देखिए ये फॉर्मेट थ्योरम इसलिए लग जा रहा है कि 9 और 13 को प्राइम है, और जब को प्राइम होगा उस कंडीशन में इससे एक कम कर दो 12, और यदि 12 का ये मल्टीपल रहता गुणक होता तब तो 1 दे देता, तो हम देख रहे हैं कि 12 का गुणक 108 होता है, तो इसको 108 +3 में चेंज कर लेंगे। अब 108 इसको डिवाइड करोगे तो 1 देगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या देगा -4 -64, इसको डिवाइड करोगे तो -12 12 -12 आ जाएगा, -12 रिमाइंडर आ गया, न्यूमेरिकली 13 से छोटा हो गया, आज प्लस में कन्वर्ट करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे +1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर फॉर्मेट पे हम आगे थर्ड क्लास लेके आएंगे, सेकंड क्लास है आप याद रखिएगा, आगे है 54, 54 की पावर 253, ठीक ना 253 बाई 43, ध्यान से देखिएगा ये आ गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं 54 ये 43 अपने में प्राइम है, यदि ये प्राइम नंबर आ गया और ऊपर वाला बड़ा है तो इसका तो मल्टीपल निकालेंगे, तो मल्टीपल भी 54 नहीं आ रहा, या कह लो कि इसके इसके में 1 ही फैक्टर आएगा और कुछ फैक्टर आएगा ही नहीं आएगा, तो ये को प्राइम हो गया। अब को प्राइम हो गया, अब ये पावर तो बहुत बड़ा है, लेकिन को प्राइम से एक छोटा, को प्राइम जब हो जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर है उससे छोटा 42, यदि ये 42 का मल्टीपल होता तब तो +1 देता, लेकिन मल्टीपल है नहीं तो 42 का मल्टीपल इसके करीब में ले जाएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 × 12 6 × 24 1 25, 252 होता तो प्लस आंसर देता, तो इसको 252 में चेंज कर लो, 252 × 54 / 43, ध्यान से देखिएगा समझ में आ रहा है ना। हमने क्या कर दिया, ये कुछ की को प्राइम है, फॉर्मेट कहता है यदि को प्राइम हो गया और इससे एक कम 42, 42 का ये गुणक होता तो +1 देता, तो 42 का गुणक 252 होगा, 252 कर लेंगे तो ये तो दे देगा आंसर 1, और यहां पर डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर दे देगा आपका कितना 11, क्या दे देगा 11, तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा 11, क्या आंसर जाएगा 11। तो ये बेटा था आज फॉर्मेट थ्योरम, और इससे पहले जो बताए थे वो थोड़ा रिकैप था आपके लिए, और ये था आपका फॉर्मेट थ्योरम। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें लास्ट टॉपिक होगा और वो होगा टोसेंट मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो कल नहीं परसों लेकर वीडियो में आऊँगा। एक चीज ध्यान में रखिए, वीडियो को या तो लाइक करिए या तो डिसलाइक करिए, और देखिए तो पूरा देखिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो करिए करिए, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट देखने से नहीं आ रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो +2 लेवल मतलब +2 की एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे थे, एक दो पेपर उनका बचा है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अब जाएंगे किसी कंपटीशन में, या तो एयरफोर्स में जाएंगे या तो नेवी में जाएंगे, तो एनडीए की तैयारी करेंगे। तो यदि आप ठीक है, आप यदि कहीं कोचिंग में जाते भी हो
तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ जाए तो एकदम कोरा कागज बन के जाए। आप कुछ पढ़ तो लीजिए और पूरा वीडियो देखेंगे तो हम मुझे आशा है कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। मेरा चैनल है अविनाश, मैथ्स विद अविनाश सर, ठीक है। और इसको आप लाइक शेयर और डिसलाइक, यदि नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप आराम से पढ़ते हो, ध्यान से देखते हो इस वीडियो को तो। और 2 मिनट 4 मिनट मत देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा वीडियो देखिए, आपको बात जरूर समझ में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।